enjoy our state of health and happiness. So today I welcome Gaurav Chauhan sir to this beautiful platform. Welcome sir, आपका स्वागत है. कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, मैं एकदम बढ़िया. बहुत सुंदर और मैं भी अच्छा हूँ महसूस कर रहा हूँ और आपकी ऊर्जाओं के साथ आज जुड़ रहा हूँ. तो लेट मी टेल यू, आज गौरव चौहान सर हमारे साथ है और सिंपल है उनका कहना कि अगर हमारी एनर्जी अगर बैलेंस है तो बाकी हम अपनी हेल्थ को और हीलिंग को बड़ा इजीली बैलेंस कर सकते हैं. और आप देखेंगे भी, जब मैं भी गौरव जी से मिला था तो आई वॉज अट्रैक्टेड टू हिज एनर्जी. सो दैट्स व्हाई टुडे ही इज विद अस टू शेयर सम ऑफ हिज एनर्जी विद ऑल ऑफ अस. तो कहीं ना कहीं एक स्लीप बहुत बड़ा कारण है और जो आपने युक्त आहार विहारत से वहां पे भी बात की थी, स्वप्न एक निद्रा, एक जैसे बच्चा हम देखते हैं 17 से 18 घंटे वो नींद लेता है और धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर बुढ़ापे में फिर से कहीं ना कहीं वो कम होती है. तो एक निद्रा का क्या रोल है ये तो सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जिनको नींद नहीं आती है, एक मैंने अभी पर्टिकुलरली आपका कोई वीडियो देखा था उसमें आप कुछ साउंड क्रिएट कर रहे थे, तो नींद नहीं आती है वो लोग क्या कर सकते हैं, कुछ छोटे छोटे टिप्स हों कि एक अच्छी नींद कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. तो आशीष जी, इसके लिए मैं आपको थोड़ा आई टेक यू बैक इन हिस्ट्री. जब एडिसन के टाइम था, एडिसन ने जिसने बल्ब बनाया है ना, उससे पहले एक आप आई एम श्योर ये ऑनलाइन रिसर्च मिल जाएगी. तो वहां उस समय रिसर्च हुई और चेक किया कि भाई एवरेज स्लीप आवर्स क्या है लोगों, एवरेज स्लीप क्या है. तो एवरेज स्लीप निकल के आई वर्ल्ड में 10 आवर्स. उस समय 10 घंटा लोग सोते थे ऑन एन एवरेज. फिर आ गया बल्ब, एडिसन ने बल्ब बना दिया, लाइट अब रात में भी होने लगी. ठीक है, अब अगर आप चेक करेंगे, अब का अगर रिसर्च देखेंगे तो 5.5 घंटे एवरेज स्लीप इन द वर्ल्ड, आधी हो गई है 100 साल. ठीक है, क्या बदला? लाइट बदल गई. ये लाइट आ गई जिसने रात को भी उजाले बना दिए. और इसका भी नेक्स्ट लेवल हम अब ले आए हैं, फोन आ गया जो हमारे हाथ में ही है ना. तो अब ये छूटता नहीं, तो ये नहीं छूटता तो मेलाटोनिन नहीं बनता, क्योंकि ये तो सेरोटोनिन को एक्टिवेट करके बैठा हुआ है. तो जब तक देखते रहोगे ये चलाता रहेगा, सेरोटोनिन बनता रहेगा और मेलाटोनिन डाउन. अब मेलाटोनिन रहेगा तो ही नींद आएगी. तो इसके लिए पहले तो इस दुकान को बंद करो, पहले मोबाइल बंद. तो बहुत छोटी टिप्स है पर इट्स यूजफुल. कैसे? सबसे पहले तो फोन, एक आजकल फोन में भी आ गया वाइंड अप काइंड ऑफ एक सिस्टम आ गया कि फोन ही बोल देता है अब आपका स्लीप का टाइम होने लग गया है. उसको हमें समझना पड़ेगा कि भाई मेरा मान लीजिए कि 10 बजे सोता है तो 9 बजे के बाद देखना पड़ेगा, 1 घंटा पहले फोन छोड़ दो और मन में खुद को बोलते रहो सोने का टाइम हो रहा है, सोने का टाइम हो रहा है. क्या होता है, हमने मान लीजिए बना रखा है कि मैं 10 बजे सोऊंगा, तो 10 बजे तक मैं टीवी देखता हूँ, 10 बजे बोलता हूँ 10 बज गए, कैसे नींद आ जाएगी एकदम. तो वो ये जो बंद किया ना, ये 9 बजे बंद हो जाए, क्योंकि इसके बाद बहुत कुछ है. कोई ब्रश करेगा, कोई कल सुबह के कपड़े रखेगा, है ना. तो ये वाइंडिंग अप वाला जो काम है ये अब आप करेंगे. तो 1 घंटा है आपके पास वाइंडिंग अप. इसके बाद सोने से पहले माथा और पैर को गीला कर, माथा और पैर. अब कोई लोग बोलते हैं अरे आंखों पे पानी डाल दिया तो नींद नहीं आएगी, जरूर आएगी. आप ये इसको शांत करो, ये बहुत गर्म हुआ है पूरे दिन, है ना. तो माथे पे डाला, पैर भी पूरे दिन बहुत घूमे हैं, इनको भी पानी डाला, है ना. पैरों पे और माथे पे पानी डाला. तीसरी चीज, कपड़े साफ सुथरे पहनने चाहिए. सोते समय आप गंदे कपड़े पहन के नहीं सो पाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं खुजली और कुछ कुछ करता रहेगा. चौथी चीज, आपका जो बेड है ना, बिस्तर साफ होना चाहिए, चादर साफ होनी चाहिए, लगे गंदी है बदल. पिलो बहुत पुराना हो गया है, मान लो पिछले 5 साल से सेम ही पिलो चल रहा है, नहीं, पिलो बदलो. पिलो भी आपको कम कर सकता है. ये आप, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कई चीजें बता रहा हूँ. ये सब चीजें नहीं, बहुत सिंपल है ना. और ये सिंपल चीजों को अगर हम कर पाए तो आप देखो, फिर ना आपको कोई योग निंद्रा के वीडियो की सुनने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई आप बोलो कि अरे ये क्या क्या एक्सरसाइजेज भी हैं, बहुत सारे व्यायाम हैं. आप शशकासन में बैठे हैं, है ना, वज्रासन में बैठे हैं, ओम चैंटिंग करें, ये सब है, पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आप बिस्तर पे सर रखोगे और विद इन 5 मिनट ठप करके आपको नींद आ जाएगी, अगर आप चीजों को फॉलो करें. बहुत सुंदर सर. और कुछ लोग ये कहते हैं ना, खाओ पियो और सो और मौज करो. तो कहीं मैं सुन रहा था कि वो इसलिए कह रहे हैं खाओ पियो सो, जिससे कि आप अगले दिन और अच्छे से एक्टिवली काम कर सको. कहीं ना लोग लगता है खाना है पीना है सोना है और गेम ओवर हो गया. इट इज जस्ट टू कि आप अगले दिन और एनर्जी से जागृत हो सको. बहुत सुंदर बताया आपने. और कहीं ना कहीं हम देखें कि जो एक नींद, जैसे आपने बोला ये सिंपल टिप्स हैं और एक तैयारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लगता है हम लाइफ में जो भी करते हैं एक प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बोला कि 1 घंटे पहले उसको शट ऑफ करो धीरे धीरे, जो एक बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टीन का आपने जो बताया कि बल्ब से होते हुए कैसे हाफ जो टाइम हुआ, दैट इज अ वेरी अमेजिंग पॉइंट. नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि हम लोग थोड़ा सा इसकी तरफ चलें कि
एक जो डाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं हम सभी लाइफ में, कुछ सिंपल टिप्स ऑन डाइट, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी की आपने बात की थी, एक डाइट का बड़ा रोल है, और हम आजकल भागते हुए भी खाना खाते हैं, तनाव में भी खाना खाते हैं, और कहीं पर भी हम खाना खा लेते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हम खाना हम सिर्फ ऐसा लाइक मटेरियल की तरह भूख को शांत कर रहे हैं, क्या उतना ही काफी है, या एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन और भी बहुत सारी चीजें? वो तो डेफिनेटली है, पर मैं इसमें भी थोड़ा सा लेमन टर्म्स में बताऊंगा। अब आप सोचिए कोई आदमी जो दारू पीता है, जो शराब पीता है, जिसको यू नो आदत है, पीते ही कैसे सर पे हिट करती है और फिर वो झूमने लगता है, इसका मतलब जो अंदर गया उसने दिमाग पे असर डाला। यही खाना भी करता है, फूड डज द सेम थिंग। आप कभी कभी देखो खाना खाते ही आपको नींद सी आने लगती, इसका मतलब जिसने आपको एनर्जाइज करना था उसने आपको लेथार्जिक बना दिया, है ना? इसने तो आपकी एनर्जी बढ़ानी थी, इसने आपकी एनर्जी डाउन कर दी। आपने गाड़ी में गलत तेल डाल दिया, अब वो गाड़ी धुआं ज्यादा निकाल रही है, चल नहीं पा रही, है ना? तो एक तो क्वांटिटी ऑफ द फूड, क्वालिटी ऑफ द फूड, है ना, लोकेशन वेयर यू ईट, है ना, और इसके बाद जो बना रहा है उसकी क्या भावना है ना? अगर आप मैकडॉनल्ड से जाके एक किसी भी जगह से जाके एक बर्गर लेके खा रहे हैं, चलते चलते खा रहे हैं, एक तो आपने लोकेशन का ध्यान नहीं रखा, जहां बैठ के आप खाते हो, जहां जाते ही भूख लग जाए, जहां आपको मन में मंत्र चलने लगे कि यू नो फूड वाला मंत्र आपके मन में आ जाए, ऐसा लगे कि हाँ हाँ यही मेरी जगह है और यही मुझे बैठ के खाना खाना है, जैसे डाइनिंग टेबल होती है या पढ़ाई की टेबल होती है, बैठते ही आपको पढ़ाई का मन है, बेड पे आते ही सोने का मन है, तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है ना? आपने मान लीजिए कहीं से जाके बर्गर उठा लिया, खाने लग गए, वो जो खिला रहा है उसकी क्या भावना है? वो ट्रांजैक्शन सोच रहा है कि इसके मुझे 500 रुपए मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो आपके अंदर भी ट्रांजैक्शनल ही जाएगा। आज अगर आपकी घर में जो खाना बना रही है, जैसे पहले कैसे होता था, जब माँ खाना बनाती थी और वो जब अंदर जाता था उसका एक सुखी अलग था, वो रोटी अलग ही है, डेफिनेटली डेफिनेटली ना। अब जो है मान लीजिए घर में काम वाली आती है जो खाना बनाती है, वो ट्रांजैक्शन है, उसने बनाया गई। अब आप सुबह का बना हुआ दोपहर में खाओ, रात में खाओ, और जैसे कृष्ण जी भगवान ने कहा है कि वो तो एकदम तामसिक हो गया आप, है ना, वो तो सात्विक बना के गई थी, पर अब तक एंड में आते आते जब आपके पेट में गया तो वो तामसिक फूड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको लेथार्जिक ही बनाने वाला है। इसीलिए खाना खाके आपको नींद आएगी, आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी डाउन हो गई, थोड़ा सो लेते हैं, तो वो ये जो डाइट है खाना लेके, है ना, तो जितना हो सके हमें सात्विक की तरफ बढ़ना है, पहले देखना है कि अब अच्छा एक अच्छा ये भी चीज है, एक हिरन होता है और एक शेर होता है ना, हिरन आप देखोगे कितना अलर्ट रहता है हमेशा, हिरन आप हमेशा इधर भागता रहेगा, घास ऐसे खाएगा फिर ऊपर देखेगा भागेगा, शेर को आप खाते देखो तो एक बार जो गया तो गया, खाती रहेगा खाती रहेगा, चाहे पीछे से गीदड़ आ जाए, चाहे हाथी आ जाए, कोई आ जाए, शेर का बिल्कुल मतलब नहीं है। तो ये ही फर्क है, एक तामसिक फूड जो शेर खा रहा है ना, और एक है आपका हमारा सात्विक फूड जो एक हिरन खा रहा है। और अगर हम बोलते हैं कि हम नॉन वेजिटेरियन है और हम शेर है, मान लीजिए हम आप और हम कहते हैं कि हम शेर है, तो शेर का अगर आप जानो तो 5 दिन में एक बार खाता है शेर, रोज बैठ के वो नॉन वेज नहीं खा रहा होता, हाँ शेर खाता है 5 दिन में एक बार खा लिया, अब वो 5 दिन तक कुछ नहीं खाएगा। तो अगर आप शेर हो, अगर आप हाँ अरे बता रहा हूँ, और अगर आप अच्छा। शेर मानते हो अपने आप को, आप नॉन वेजिटेरियन तो रात में बटर चिकन खा के सुबह फिर से ऑमलेट मत खाओ, रहो 5 दिन बिना खाए, लेट दैट गो थ्रू योर इंटेस्टाइन। अब आपकी इस बात से लोग नॉन वेज खाना छोड़ देंगे, 5 दिन भूखे रह पाना तो बड़ा मुश्किल है। यस नहीं नहीं पर नहीं नहीं ये बहुत अच्छा सात्विक की तरफ जाए जैसा, क्योंकि जो ट्रांजैक्शनल फूड है वो आपको राजसिक बनाएगा, वो हर चीज में ट्रांजैक्शन ढूंढेगा, और जो तामसिक है, जो सड़ा खाना है, 2 दिन पुराना है और आपने बस जाके गर्म करने वाली मशीन में डाल के ले आए और उसको खा रहे हैं, तो वो अच्छा खाना नहीं है। कोई योगा प्रैक्टिशनर है तो उसके लिए तो क्लियर है कि उनको सात्विक डाइट ही लेनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत लेबोरियस वर्क है, मान लीजिए क्योंकि तीनों चीज हमें जरूरी है कहीं ना कहीं, तत्व भी रजस भी तमस भी, हम अलग नहीं कर सकते कहीं ना कहीं चीजों को। Amazing, Gaurav ji, so much for joining, keep sharing this whole podcast of Gaurav sir and how he beautifully take us to this Anand Yatra of health and happiness. So thank you so much, keep living, keep
spreading this beautiful joy of happiness. Thank you. Desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming stories which can heal your body, mind and soul. If you find these conversations insightful, please share with your close ones to heal their mind.